लैबा एवरी और आप देख रहे हैं है, उसमें हम बात करने वाले हैं बीसीआई और वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला एशिया कप आप सबको पता है मुझे भी पता है बहुत जोरों शोर से जारी है और इसी ही एशिया कप के कुछ मैचेस को देखने के लिए ये दोनों जो है लाइक प्रॉपर डेलीगेशन इंक्लूडिंग सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और लाइक प्रॉपर एक डेलीगेशन जो है वो आज पाकिस्तान में यानी कि सितंबर फोर्थ को मंडे को आज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे एंड थ्रू वाघा बॉर्डर वाघा बॉर्डर आप सबको पता है कि जो हिस्टोरिकल प्लेस है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया उसके वहाँ उसके थ्रू जो है वो पाकिस्तान आएंगे ये प्रॉपर एक डेलीगेशन और लाहौर में Uh, एक प्रॉपर उनका जो है फॉर्मल डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है दिस मीटिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन बोथ द बोर्ड्स लाइक अब ये विजिट क्यों हो रहा है लाइक चेयरमैन पी सी बी जका अशरफ की तरफ से जो है वो एक प्रॉपर इन्विटेशन उनको दिया गया था कि आप आइए बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान बींग द होस्ट ऑफ एशिया कप टू-एंड-ट्वेंटी-थ्री उनको जो है वो कहा गया था सेवन तक यहाँ पे ठहरेंगे ये जो बीसी की डेलीगेशन आ रही है ये एशिया कप के कुछ मैचेस भी अटेंड करेगी कजाफी स्टेडियम लाहौर में और इसमें जो एक मैच है वो होगा पाकिस्तान का पहला सुपर फोर मैच जो कि खेला जाएगा सेप्टेम्बर सिक्स को ठीक है वो एक अटेंड करेंगे और एक होगा अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच विच, विच विल बी टेकिंग प्लेस आई गेस अराउंड सेप्टेम्बर फिफ्थ तो एक वो मैच भी जो है वो अटेंड करेंगे ना हु इज रॉजर बिनी रॉजर बिनी जो है वो एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं एंड uh, उन्होंने जो है वो उनको जो है वो 2022 में 2022 में जो है वो पीसीसीआई का प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें अपॉइंट किया गया था जबकि राजीव शुक्ला विल बी इन विजिटिंग पाकिस्तान टुडे uh, उन्होंने वो जो है एक फॉर्म जर्नलिस्ट भी हैं पॉलिटिकल राइटर भी हैं पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं और इसी के साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो कि एक फेमस इंडियन टी uh, ट्वेंटी लीग है उसके जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं इनको जो है वो 2020 में बीसीसीआई uh, के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतब किया गया था और दोनों जो हैं उनको बड़ा फॉर्मली इनवाइट किया गया है एशिया कप जो है बेसिकली जो टूर्नामेंट है इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ए सी सी एशियन क्रिकेट काउंसिल एशियन क्रिकेट काउंसिल जो कि uh, जिसके जो प्रेजिडेंट हैं वो जय शाह हैं वालसो बी सी सी एस सेक्रेटरी उनको भी इन्विटेशन दिया गया था जका अशरफ की तरफ से कि आप भी आइए पाकिस्तान में एशिया कप के कुछ मैचेस देखिए उसको अटेंड कीजिए जब एक न्यूज चलाई गई थी अगर आप लोगों को याद हो जय शाह जो है, उन्होंने uh, जका अशरफ के इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया एंड ही विल बी विजिटिंग पाकिस्तान तो उस वक्त उन्होंने ये बात खुद क्लियर की थी कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा ही एक्सेप्टेड इन्विटेशन मतलब बहुत ज्यादा क्लियर है कि वो जो है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे अब बात करते हैं कि क्या ये पहला बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का विजिट होने वाला है टूवर्ड पाकिस्तान बिल्कुल नहीं 2008 में भी जब एशिया कप हुआ था तब भी बीसीसीआई की एक प्रॉपर डेलीगेशन पाकिस्तान में आई थी उन्होंने भी एशिया कप के मैचेस अटेंड किए थे और उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान में आकर एक अच्छा टाइम एंजॉय किया था लेकिन 2008 के बाद से पाकिस्तान और इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं क्रिकेटिंग रिलेशंस हैं बायलेटरल रिलेशंस हैं वो ठीक नहीं जा रहे थे जिसकी वजह से Uh, जो बीसीसीआई है अभी भी जब भी ऑब्वियसली जब एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करवा रहा था तो सारे मैचेस पाकिस्तान को ही होस्ट करवाने थे लेकिन जो बीसीसीआई है उन्होंने साफ अल्फाजों में मना कर दिया कि वी वोंट बी विजिटिंग पाकिस्तान उन्होंने अपना इंडियन स्क्वाड पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया Which is very clear के उनके जो बाइलेटर देंगे और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बहुत बिगड़ गए थाउजेंड एट यानी कि मुंबई टेररिस्ट अटैक्स के बाद ना ही इंडिया कभी पाकिस्तान आया इंडिया की तरफ से एक नेगेटिव uh, वे में जवाब आया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे कोई भी एशिया कप का मैच अटेंड करने के लिए तो इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से भी इसी रद्द अमल का इजहार हुआ था पाकिस्तान ने भी कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी कोई भी मैच वर्ल्ड कप का अटेंड करने इंडिया नहीं जाएगी लेकिन हुआ कुछ यूं जैसे पाकिस्तान ना हो किसी टूर्नामेंट में तो वो टूर्नामेंट ज्यादा बड़ा ना होगा आपको भी पता है मुझे भी पता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो रेवलरी इट्स द बिगेस्ट तो इसी वजह से फिर जय शाह ने जब देखा कि अगर पाकिस्तान क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का तो कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान आने का लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता तो ये बहुत बुरा हो जाएगा तो उसी वजह से उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि उन्होंने कहा कि एक हाइब्रिड मॉडल क्यों ना बना लिया जाए यानी कि तेरह मैचेस में से चार मैचेस की मेजबानी जो है वो पाकिस्तान को दे दी जाए बाकी का जो साथ में होस्ट है वो श्रीलंका को रख दें और बाकी के जो मैचेस बचेंगे वो श्रीलंका होस्ट करेगा